हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जवाला जी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस, तीन कलर से। ये देखिए, मैंने तीन कलर की ऊन ली है और ये 12 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर की ऊन से कान्हा जी की चोली बनाएंगे। सबसे पहले हम 14 चैन लेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 चैन बनाने के बाद 3 चैन स्किप करेंगे और चौथी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब हमें 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद टर्न करेंगे और अब हमें एक चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनानी है। एक तो हमारा ये जो हमने 3 चैन बनाई थी, ये वाला डबल क्रोशिया हो गया। एक डबल क्रोशिया और हमने इसी चैन के अंदर बनाया है। अब अगली चैन के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, अगली चैन के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक एक चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमारी 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें 3 चैन बनानी है और इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया तो हमारा ये 3 चैन वाला हो गया और अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चैन स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5वीं चैन के अंदर ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से बैक साइड के लिए हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चैन स्किप करेंगे, 1, 2, 3 और 4। 5वीं चैन के अंदर अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें फिर से 3 चैन बनानी है। 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद टर्न करेंगे और अब हमें 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। आपके कान्हा जी की कमर अगर लंबी है तो आप पूरा डबल क्रोशिया बनाइए। मेरे कान्हा जी की कमर छोटी है, इसलिए मैं 1/2 डबल क्रोशिया बनाती हूँ। ये देखिए, अगली चैन के अंदर ये 1/2 डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे लेंगे और अगली चैन के अंदर डालेंगे ऐसे और तीनों धागे एक साथ उतार देंगे। ये 1/2 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से एक चैन के अंदर एक 1/2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच करना है। जहाँ से हमने 3 चैन बनाई थी शुरू में, इसी 3री चैन के अंदर हमें इसे अटैच करना है स्लिप स्टिच से। और अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और बनाना है हमें। अगली चैन के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें
हमें एक एक चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया और इसी चैन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे तीसरी चैन के अंदर, एक दो और तीन, तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद तीन चैन बनाएंगे और फिर से हमें एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने चार डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ये देखिए पाँचवें डबल क्रोशिया के अंदर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया है, तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हमें अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें चार डबल क्रोशिया के बाद पांचवी चैन के अंदर फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाना है एक चैन के अंदर। ये देखिए हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए और ये चार डबल क्रोशिया। अब पांचवी चैन के अंदर हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब इसे हम यहाँ पे जहाँ से हमने तीन चैन शुरू की थी यहीं पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए पांच डबल क्रोशिया हो गए। अब पांचवें डबल क्रोशिया के अंदर फिर से एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया। जहाँ पे हमें लगे कि हमारा घेरा टाइट हो रहा है वहाँ पे हमें एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया डाल लेने हैं और हमारा घेरा बिल्कुल फ्लैट बनना चाहिए, बिल्कुल कोई सलवट या टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे चार डबल क्रोशिया के बाद एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया डालते हुए। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब इसे हम यहाँ पे तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और दो चैन बना के धागा कट कर लेंगे और यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। यहाँ पे हम ब्लू कलर का धागा अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, आप चाहे तो वहीं से शुरू कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारा धागा अटैच हो गया है। अब हमें यहाँ पे नौ चैन बनानी है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। नौ चैन बनाने के बाद अगली चैन के अंदर ये देखिए अगली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे और ये धागा हम साथ में यहाँ पे सेट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चैन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया और अगली चैन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए एक जो हमने यहाँ पे ये वाली चैन अटैच की थी और एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, ये तो तीन सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमें फिर से नौ चैन बनानी है, तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। नौ चैन बनाने के बाद अगली चैन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया अगली चैन के अंदर, फिर से अगली चैन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारे तीन सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर से हमें नौ चैन बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। नौ चैन बनाने के बाद अगली चैन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लिया। इसी तरह से नौ नौ चैन बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और एक चैन यहाँ पे एक्स्ट्रा है हमारी, इसे हम यहीं पे स्किप कर लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हमने इसे स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेंगे और एक चैन बनाएंगे। और अब ये देखिए जो हमने यहाँ पे नौ चैन बनाई थी इस चैन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है,
एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। तो हमें चार सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरफ, दो तीन चार, ये हमारे चार सिंगल क्रोशिया हो गए। अब पांचवी चैन के अंदर फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए पांच सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमें एक चैन बनानी है, दो चैन बना लीजिए। दो चैन बनाने के बाद इस पांचवी चैन के अंदर ही हमें एक सिंगल क्रोशिया और बनाना है, ये देखिए। अब हमें अगली चैन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने इस तरफ चार सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह से हम इधर भी बना लेंगे। और ये हमारे चार सिंगल क्रोशिया हो गए। चार सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये देखिए ये हमारी पत्ती की शेप बन गई। अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, जो सेंटर में हमने एक बनाया था सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे भी चार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, चार चैन के अंदर चार सिंगल क्रोशिया। चार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद पांचवी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया, दो चैन, फिर से इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया। और इस साइड फिर से हम चार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से करते हुए हम पूरा पैटर्न यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, जहाँ से हमने इसे शुरू किया था। दो चैन बनाकर धागा कट कर लेंगे। यहीं से हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा दूसरे कलर का धागा अटैच हो गया है। और हमें वही पैटर्न बनाना है, यहीं से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारे पांच सिंगल क्रोशिया हो गए। और ये देखिए जहाँ पे हमने दो चैन बनाई थी, यहाँ पे हम बीच से बनाएंगे। ऐसे हमने क्रोशिया डाला और सिंगल क्रोशिया बनाया, दो चैन, और फिर से इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से दो चैन आ गई, इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया, दो चैन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस साइड भी बना लेंगे, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था। एक
एक चैन बना के धागा कट कर लेंगे। यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। ये देखिए हमारा धागा अटैच हो गया है। अब यहाँ पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। और ये हमारी बीच वाली दो चैन आ गई है, इस चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया, दो चैन, और फिर से इसी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। और इस साइड में वही सेम पैटर्न रहेगा और इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और इस धागे को हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था घेरा। राउंड अटैच करके दो चैन बना के और धागा कट कर लेंगे। इस धागे को हम बाद में अंदर सेट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी कलियाँ हम इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। ये देखिए अब हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 और 5वीं चैन के अंदर हुक डालेंगे। और यहाँ से भी हम 1, 2, 3, 4 और इस 5वीं चैन के अंदर हुक डालेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। दोनों तरफ से 5वीं चैन के अंदर हुक डालेंगे और ऐसे हम धागा अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा धागा अटैच हो गया। और अब हमें यहाँ पे ये देखिए अगली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये जो हमारी बीच वाली चैन आ गई इसके अंदर हमें वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चैन, दो चैन और सिंगल क्रोशिया फिर से इसी चैन के अंदर। और अगली चैन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अगली चैन के अंदर हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन और ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब 5वीं चैन के अंदर हुक डालेंगे। और ये देखिए इस पत्ती को हम ऐसे करेंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5वीं चैन के अंदर ऐसे हुक डालेंगे और धागा ऐसे अटैच कर लेंगे। और अगली चैन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और कलियां ऐसे अटैच करते जाएंगे। ये देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ से हम पहली चैन के अंदर हुक डालेंगे, सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5वीं चैन के अंदर हुक डाला। और इस कली को हमने ऐसे किया और इधर से भी हम 5वीं चैन के अंदर हुक डालेंगे।
एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से सारी कलियां अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए जहाँ से हमने घेरा अपना शुरू किया था ये वाला राउंड, वहीं पे इस चैन के अंदर हुक डाला और ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। और अगली चैन के अंदर ये देखिए यहाँ से ऐसे डाला और सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से हम इसे अटैच कर लेंगे। और बैक साइड में इस धागे को ऐसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए एक चैन बना के धागा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे और यहाँ पे हम ब्लू कलर के धागे से किनारी करेंगे। सबसे पहले नोट लगा ली और हुक को यहाँ से डालेंगे, धागा ज्वाइन करेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी किनारी कर लेंगे चारों तरफ। यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। देखिए इस किनारे पर भी एक चैन बनाएंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। और यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे एक चैन बना के धागा कट कर लेंगे और इस धागे को हम अंदर की तरफ सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार है। अगर आप इसके ऊपर कोई मोती का या किसी और चीज़ का स्टोन वगैरह का वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और ऐसे भी ये बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।